आउटसाइड, व्हाट डू यू सी आउटसाइड, आप बाहर की तरफ क्या देखते हैं, चाहे आप यो बोल लो इसको कि चाहे आप बाहर की तरफ क्या देख रहे हैं, हिंदी में जो बोलना बोलो, पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ये संभव नहीं है जो आपने किया है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, व्हाट डू यू सी आउटसाइड, व्हाट डू यू सी आउटसाइड, बात नंबर एक। स्वामी जी इतना लिखा आपने, अब दूसरा शब्द आ रहा उन, उन शब्द में से यू को बाहर निकालो, ये यू है इसे बाहर निकालो, आप निकाला आपने, यू का मतलब अंडरस्टैंड होता है, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, सेंटेंस लिखो, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। वाक्य शुद्ध करना है क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम, ये जो अंडरस्टैंड है इसमें आईएनजी जोड़ना मना है, जिस प्रकार से सी में आईएनजी नहीं जुड़ सकता वैसे अंडरस्टैंड में भी नहीं जुड़ सकता। शुद्ध वाक्य बनेगा यस आई, काटो इसको, अंडरस्टैंडिंग में से आईएनजी को काटो, शुद्ध वाक्य बनेगा यस आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, हाँ मैं आपकी समस्या समझता हूं। अगर अंडरस्टैंड का प्रयोग हुआ है तो उसको कंटिन्यूस में नहीं देना, उसको प्रेजेंट सिंपल में देना है। दूसरी क्रिया हो गई स्वामी जी उन, अब लिखो लड़कों, इसमें से एल को बाहर निकालो, एल को बाहर निकालो, एल यानी होता लव या लाइक, इसमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते। मैंने आपको सेंटेंस दिया था जॉन एंड बिपाशा आर लविंग ईच अदर, सेंटेंस लिखो जॉन एंड बिपाशा आर लविंग ईच अदर। पहली बात तो मैंने ये बताई थी कि यहां वन अनोदर का प्रयोग नहीं हो सकता, जब काम दो के बीच होता तो ईच अदर होता है, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में। यह आपको देखना चाहिए जॉन एंड बिपाशा, ये लव वर्ब आ रही है, इसमें आईएनजी नहीं जुड़ सकता, इसलिए आईएनजी को हटाओ और ई लगाओ, क्योंकि एल ओ वी ई था पर जब आपने आईएनजी जोड़ा तो ई डिलीट हो गया, तो ये आपको दोबारा लगाना लव और आर को हटाना चाहिए। शुद्ध वाक्य बनेगा जॉन एंड बिपाशा लव ईच अदर, लव एक ऐसी क्रिया है जिसमें आईएनजी नहीं जोड़ा जा सकता, लाइक में भी नहीं, डिसलाइक में भी नहीं। ओके, इस तरीके से आपने देखा कि स्वामी जी उन लड़कों को का मतलब होता है के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू नो। मैंने आपको कहा कि आर यू नोविंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जान रहे हैं, लिखें एक बार आर यू नोविंग इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखो भाई आर यू नोविंग, के एन ओ डब्ल्यू आई एन जी, देखो आर यू नो आई एन जी जोड़ो, आर यू नोविंग इंग्लिश, वाक्य शुद्ध करना है। अगर इस रूप में है तो ये गलत है, नोवे आई एन जी